हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द अनदर न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं रोज का प्रोन, ठीक है, यानी इस प्रोनिंग करेंगे, इसको पोनेंगे, ठीक है, ताकि इसमें नए नए ब्रांचेज आ सके और मल्टी ब्रांचेज आ सके, जिस वजह से हमारा रोज जो है अधिक ब्रांचेज हो सके और उसमें अधिक फ्लावर हो सके, ठीक है। अभी इसमें देख सकते हैं आप, ये जो है फ्लावरिंग हो चुका है इसका, अब इसमें फ्लावर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसमें नए फ्लावर लाने के लिए हम लोग को इसको पुनना होगा, इसको प्रूनिंग करना होगा, ठीक है, यानी कि इसके जो पुराने ब्रांचेस सब हैं इन सभी ब्रांचों को हम लोग को काटना होगा। अभी देख सकते हैं आप, इसमें सब पुराने ब्रांचेज हैं और इसमें कोई फ्लावर नहीं है। तो चलो इसको हम लोग कटिंग करते हैं, सभी ब्रांचों को हम काट काट के इसमें से निकाल देंगे, ठीक है। इधर का बचा है थोड़ा सा, इसको भी कट कर देते हैं, इसको भी निकाल देते हैं। देखो इसमें दो कोड़ी है, फिर भी इसको हमने काट दिया ताकि इसमें से अच्छा फ्लावर आ सके और मल्टी ब्रांचेज आ सके, ठीक है। एक बार देख लीजिए इसको, तो आपने देख लिया, हमने इसको कटिंग कर दिया है, प्रूनिंग कर दिया है। तब ये कितने मंथ बाद यानी कितने महीने बाद इसमें से नए ब्रांचेज आ जाएंगे, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। हमने दो मंथ पहले एक और रोज का प्लांट था, उसको हमने कटिंग किया था, तो उसमें हम दिखाते हैं आपको कैसे ब्रांचेज आए हैं, कितना ब्रांचेज आए हैं और कितना ग्रोथ किया है, ठीक है। एक दो महीना पहले किए थे, एक पाँच महीना पहले किए थे, तो दोनों को हम दिखाएँगे आपको, ठीक है। तो इसको अब अभी हम रखते हैं, अब इसमें भी दो मंथ बाद फ्लावरिंग होने लगेगा। तो यही है वो रोज जिसको हमने दो महीने पहले कट किए थे, प्रूनिंग किए थे दो महीने पहले इसको, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें कितने ब्रांचेज आए हैं और फ्लावरिंग भी होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। देखिए इसमें फ्लावर भी हो रहा है और इसमें कोढ़ी भी आया है, देखिए इधर आया है, इधर आया है, और इसमें ब्रांचेज बहुत सारा आ चुका है, ठीक है। देखिए नए नए ब्रांचेज कितना इसमें आया है, बहुत सारा ब्रांचेज इसमें आया है। ये दो महीना पहले का कटिंग किया हुआ है, ठीक है। इसको हमने पाँच महीना पहले कटिंग किए थे, देख सकते हैं कितने बड़े बड़े ब्रांचेज आए हैं, और इसमें हमने एयर लेयरिंग भी कर दिया है ताकि इसको हम मल्टीपल फ्लावर बना सकें। देखो इसमें एयर लेयरिंग किए हैं, इसमें मिट्टी में बांधे हैं ग्लास में, और ये देखो पाँच महीना पहले का है, कितना बड़ा बड़ा हो गया है, और इसमें भी फ्लावरिंग हो रहा है।